बताता हूँ आप लोगों को। बताएं कि हम सुबह से जो है कल्याण गए थे ट्रेन वाले मामले में, उसके अंदर एक अहम अपडेट ये थी कि आज हम लोग पहुंचने के बाद हमारा जैसा कहना था कि शुरुआत से इसमें जो सेक्शंस लगे हैं वो इनएडिक्यूट है, कम है, लगे हुए जो लगने चाहिए वो नहीं थे। उसी की वजह से जो है आज 3 लोगों को जो पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनको बेल हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी छोटी सी कोशिशों के बाद ये हुआ है कि पुलिस ने जो हमारे विक्टिम है हाजी अशरफ अली साहब, उनका जो है एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिया है। और उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेने के बाद जो लैकुनाज एफआईआर में थे उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। और अब हमको उम्मीद है कि उसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद जो पुराना 307 और 395 समझने के लिए जिसमें आसानी हो, अटेम्प्ट टू मर्डर और डकैती के चार्जेस उसमें ऐड होंगे, जिसके बाद ये होगा कि जो बेल 3 लोगों को हुई है वो बेल कैंसिल होगी इंशाल्लाह। और बचे हुए लोग जब अरेस्ट होंगे तो उनको ये डकैती और 307 के केसेस जो है केस जो है फेस करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में उनकी बेल भी नहीं होगी और इंशाल्लाह आगे चल के इनका केस जो है सेशन में चलेगा। इसके पीछे हमारी जहां हमने इसमें कोशिश की, वहीं हमारी जो जलगांव की एमआईएम की टीम है, खास करके वहां का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अहमद भाई और उनके साथी एडवोकेट सलीम है, उसी के साथ धुलिया के हमारे खालिद भाई है, हम तमाम की मेहनतों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हुई है कि उसमें आप मतलब सेक्शन जो है ऐड कर दिए जाएंगे और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हुआ है। जो भी फर्दर अपडेट रहेगा इंशाल्लाह इसका फॉलोअप